राजस्थान में ये चुनावी वर्ष है और दोनों ही पार्टियां चुनाव जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके मंत्री पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार राजस्थान आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है गहलोत कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला, उनसे हम बात करते हैं। कल्ला जी, चुनावी साल है, ताकत सारे लगा रहे हैं, आपकी कोशिश है कि सरकार रिपीट हो और बीजेपी की कोशिश रहेगी कि आपको हटाया जाए, क्या लगता है? अब चुनावी साल है और अब तमाम जो वादे आपने जनता से किए हैं, ऐसा आपने दावा भी कि अधिकांश पूरे किए गए हैं, तो उनके आधार पे मान सकते हैं जो मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी? देखिए, जो सरकार ने पिछले बजट दिए हैं वो बजट राहत, बचत और विकास के बजट हैं और उससे आम आदमी को लाभ मिला है। हमने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि हम इसको बंद करेंगे, तो कर्मचारी उनसे नाराज। उसके बाद हम लोगों ने जो 100 यूनिट बिजली फ्री आम आदमी को, 2000 यूनिट आम किसान को बिजली फ्री, उसके बाद 75 लाख लोगों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर, 2 गायों का या 2 भैंसों का बीमा निःशुल्क, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जो है 25 लाख तक का इलाज फ्री, दवाई फ्री, जाँचें फ्री, और उसके बाद 5 लाख का बीमा था उसको बढ़ा करके 10 लाख का बीमा, उसमें 1 रुपया भी किसी को भरना नहीं पड़ता। फिर उसके बाद जो फ्री अनाज अन्नपूर्णा योजना में मिल रहा था वो अब इसमें गेहूं के साथ साथ 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल, 1 लीटर तेल, मिर्च मसाले, ये सब फ्री में दिए जाएंगे। उससे लोग बहुत खुश हैं। पेंशन भी 1000 रुपये सब लोगों की कर दी गई है और इसके साथ साथ जो 10 गारंटियां ये जो मैंने बताई हैं वो आम आदमी को दी गई हैं। उसमें शहरी बेरोज़गारी योजना में 125 दिन का रोज़गार, मनरेगा में 125 दिन का रोज़गार, ये 10 गारंटियां लोगों के मन में भाग गई हैं और सबको ये खतरा है कि यदि दूसरी पार्टी आ जाएगी तो इन योजनाओं को बंद कर देगी। क्योंकि बीजेपी ने जो वायदे किए थे कि हम किसान की इनकम दुगनी करेंगे, हम आते ही लोगों के खाते में 15 लाख रुपये डालेंगे, काला धन लाएंगे, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोज़गार देंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता करेंगे, रसोई गैस सस्ता करेंगे, उन्होंने महंगाई बेरोज़गारी बढ़ाने के अलावा और कोई काम ही नहीं किया। और नौकरी निकाली तो अग्निपथ, अग्निपथ में 4 साल की नौकरी, फिर घर की छुट्टी और उसमें कोई पेंशन नहीं। तो लोगों को ये महसूस हो गया कि बीजेपी वाले केवल झांसे ही झांसे मारते हैं, करते कुछ नहीं है, गुड्स डिलीवर नहीं करते। कांग्रेस की एक इमेज बन गई है कि गुड्स डिलीवर करने वाली पार्टी है। इसलिए मुख्यमंत्री जी जो बात कह रहे हैं कि ये सरकार रिपीट होगी, इसमें कोई शक नहीं है, सरकार रिपीट होगी। सरकार के काम हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं, लेकिन आपके लोग ही टांग खिंचाई कर लेते हैं, कोई यात्रा निकाल देता है, मंत्री सरकार के खिलाफ बोल देते हैं, आपको लगता है इससे कहीं नुकसान होगा आने वाले समय में? इसके बारे में कल मीटिंग हो रही है, मैं समझता हूँ इसमें समाधान हो जाएगा। अमूमन हमने ये सुना है कि हेलो, ठीक है, दोबारा कर लेंगे। सर, अमूमन राजस्थान में चर्चा रहती है कि विधायक है वो मंत्रियों के बंगले लिए हुए हैं, मंत्री नहीं है, लेकिन ये पहला उदाहरण है कि मंत्री है वो बंगला खाली कर रहे हैं, आपने बंगला खाली किया, बड़ी चर्चा भी है, कारण क्या है इसका? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया जो है कोई सवारी पे जाता है तो कहेगा कि बड़ा घमंड आ गया है, और जो पैदल जा रहा है तो कि पैदल जा रहा है, फटीचर है। मैं तो चढ़िए और पैदल को, दोनों को हस्ती है। ये बंगला मेरे लिए बहुत शुभ था और मैं इस बंगले में डिप्टी मिनिस्टर बन के आया। मैं इसमें एक ही साल में प्रमोट होकर स्टेट मिनिस्टर बना, उसके बाद में फिर मैं गवर्नमेंट चीफ भी बना 85 में, और 88 में इसमें कैबिनेट मिनिस्टर बना, और लगातार तीसरा इलेक्शन जीता,
जीतने के बाद हमारी पार्टी पावर में नहीं रही तो मुझे ज्योति नगर शिफ्ट होना पड़ा। तो जिन लोगों ने ये उड़ाया था कि भाई ये बंगला शुभ नहीं है, तो शुभ तो है ही, मैंने सिद्ध कर दिया। अब रहा सवाल के वहाँ पर इस बंगले में मेरी दिनचर्या बिगड़ रही थी। दिनचर्या इसलिए बिगड़ रही थी कि मैं सुव्यवस्थित व्यक्ति हूँ, हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूँ, तो मिलने के वक्त के अलावा भी लोग आ जाते थे और मैं मेरी सदास्यता के कारण उनको मना नहीं करता। तो इससे मुझे, मैं रोज़ का काम रोज़ करता हूँ तो देर रात तक जगना पड़ता था काम करने के लिए। अब दिनचर्या व्यवस्थित हो गई, केवल दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए बंगला शिफ्ट किया है और कोई भ्रांति नहीं है। बंगले से दिनचर्या व्यवस्थित हो गई, विधानसभा क्षेत्र कैसा व्यवस्थित है आपका? कई लोग अव्यवस्थित करने की कोशिश करते, ऐसी चर्चा है। अरे विधानसभा क्षेत्र में तो आप बीजेपी वालों को पूछो, उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है मेरे सामने। मैं 6 बार एक ही विधानसभा सीट से जीतने वाला व्यक्ति हूँ। आप बीजेपी में, कांग्रेस में शहर से 6 बार जीतने वाला कोई इक्का दुक्का नाम बता सकते हो? कोई गांव से जीतने वाले तो आप 7-8 धर्म वाले बता देंगे, लेकिन शहर से जीतने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। और दूसरी बात ये कि मैंने बीकानेर की हर समस्या को हल किया है, इसलिए बीजेपी के पास तो कैंडिडेट है नहीं। अब कई लोग जो हैं, आप जानते हैं कि जीतने वाली सीट पर सबकी नज़र रहती है, तो वो नज़र रखें, लेकिन वो बीकानेर के लोग उनकी नज़र को कामयाब नहीं होने देंगे। कुछ कांग्रेसी नज़र लगाए हुए हैं उस पर? नेचुरली मेरे सामने तो मेरे कांग्रेसी लोग ही टिकट मांगेंगे, और दूसरा कौन मांगेगा? लेकिन मेरी सीट बिल्कुल सेफ है। कहते हैं कि सबसे हंसमुख व्यक्ति हैं इस कैबिनेट के, क्या राज है? कुश्ती करते हैं, क्या करते हैं, योगा करते हैं, और अगर चुनावी मैदान में भी कोई ऐसा है तो उसको पटकने को तैयार है? मैं हमेशा जब मेरा स्पीच होता है तो लोगों से कहता हूँ, अस्त व्यस्त मस्त और स्वस्थ रहो। मैं टेंशन फ्री रहता हूँ, कोई टेंशन रखता ही नहीं हूँ, इसलिए मस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ। ऐसी चर्चा आई थी कि बंगले को इसलिए खाली किया कि चढ़ने उतरने में दिक्कत है, स्वास्थ्य कारणों से ऐसा हुआ है, इसमें क्या चर्चा है? आपको तो पहाड़ पे चढ़ दूँ, मैं तो कैलाश मानसरोवर जाके आया हूँ। जो आदमी 18,500 फीट की ऊंचाई पे परिक्रमा करके आ सकता है, उसके लिए बाकी चढ़ाइयाँ क्या है। हाँ, 2 साल पहले मेरे साइटिका की प्रॉब्लम हो गई थी, तो ठीक है, साइटिका की प्रॉब्लम बहुत से लोगों को 20-20 साल से, 25-25 साल से, लेकिन मैं नियमित रूप से योग करता हूँ, नियमित रूप से घूमता हूँ और नियमित रूप से सारे काम करता हूँ। तो अब ये माने कि एक बार फिर जिस सीट से आप अपनी क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगले 5 साल के लिए भी उनकी सेवा करने के लिए तैयार है बी डी कल्ला जी? निश्चित रूप से मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप देख रहे हो अभी भी रोज मुझे, कभी दिन में सोते हुए देखा है क्या आपने कभी? मैं नियमित रूप से अपना काम करता हूँ और सचिवालय में किसी सेक्रेटरी से, मैं तो कम से कम 24 साल तक मंत्री पद पर रहा हूँ अलग अलग समय में, मेरी कोई फाइल टूर पे आती है तो टूर पे निकल जाती है, और अब तो आप देखिए कि सारी की सारी ऑनलाइन फाइलें हो गई है, तो ऑनलाइन जहाँ भी आती, अभी मैं केरल गया था, वहाँ से 27 फाइलें निकाल के भेजी थी तुरंत। ऑनलाइन फाइलें जब भी आती हैं तुरंत निकल जाती। अभी मैं लंच से पहले पहले सारी फाइलें निकाल के आया हूँ। बिल्कुल, तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला जिन्होंने तमाम इन सवालों के जवाब दिए हैं जो जनता चाहती थी, चाहे वो बंगले को लेकर चर्चा हो, चाहे इनकी बीकानेर की विधानसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा हो, एक बार फिर उन्होंने साफ किया है कि जनता उनके साथ है और अगले 5 साल फिर से जनता की सेवा करने के लिए तैयार है। कैमरामैन संजय के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।